रीवा जिला नशेगत अपराध में सर्वोच्च स्थान पर है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। रीवा जिला और यहां की वर्तमान पुलिसिंग को देखकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपना पैसा रीवा के पुलिस प्रशासन को सैलरी देकर बर्बाद कर रही है। रीवा जिले में एसपी से लेकर कई बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ, लेकिन जिस तरह से वर्तमान समय में रीवा जिला अपराध में नया रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे में लगता है कि यह जरूर प्रदेश में नंबर वन बन जाएगा। यहाँ लोग थानों में नहीं एसपी ऑफिस में शिकायत लेकर जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा आखिर क्यों होता है? चलिए आपको समझाते हैं। रीवा जिले में 26 थाने हैं, लेकिन फिर भी रीवा एसपी विवेक सिंह थाना प्रभारी का काम करते अक्सर दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि थानों में किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा, किसी की सुनी नहीं जा रही, तो फिर ऐसे थानों का अस्तित्व ही क्या जो जनता की मदद न कर सके। ऐसे थानों और पुलिस कर्मियों पर आखिर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री मोहन यादव पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? रीवा जिले में थाने से किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। आए दिन एसपी ऑफिस में थानेदारों की शिकायत लेकर ही पहुंच जाते हैं। हर महीने में अपराधों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आए दिन गोली, लूट, हत्या के अलावा कुछ भी सुनने और देखने को नहीं मिल रहा, और इन सब की वजह है जिले में बिक रहा नशा। दरअसल विगत दिनों सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने रीवा जिले की पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, रीवा को कोरेक सिटी कहा जाता है। बिक रहे हर नशे में पुलिस का हफ्ता बदा हुआ है। हर गांव में पुलिस के अफसर ही कोरेक्स की तस्करी करवा रहे हैं। ऐसे कई आरोप विधायक ने लगाए, जिसके बाद एसपी विवेक सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि आरोपों की जांच की जाएगी। यह एक कॉमन जवाब है, आरोपों की जांच की जाएगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई आम इंसान यदि पुलिस या अधिकारियों को कुछ कह दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो वहीं राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति या कोई अधिकारी ही गलती कर दे तो पुलिस उसे जांच का विषय बना देती है। लेकिन सच में कभी आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एसपी विवेक सिंह के कार्यकाल में अपराधों का प्रतिशत कितना बढ़ गया है। जब थानों से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, एसपी ऑफिस ही सबको आना है, तो ऐसे थानों का क्या मतलब? या तो थानों को बंद करवा देना चाहिए या फिर एसपी ऑफिस को थाना घोषित कर देना चाहिए। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था सिमरिया में, तो वहाँ पर बाजार बैठकी के नाम पर विभागीय बाजार बैठकी है, लगातार 3 महीने मात्र 3,300 रुपये प्रतिदिन फिक्स पैसा जमा हुआ, और बैठकी के और वसूले जा रहे हैं 60,000। विभाग का जो एक अधिनियम आया, उसमें एक और बीच में गजट नोटिफिकेशन आया था कि हर त्रैमासिक और छमाही वहाँ पर जो लोकल सब्जी वाले दुकान वाले हैं उनको राशि बांध दी जाए, लेकिन वहाँ पर स्थानीय अपराधी जिनका लंबा पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड है वो कर्मचारियों के जगह पर उनके द्वारा अवैध वसूली व्यापक पैमाने पर की जा रही। सब्जी वाले सब्जी नहीं बेच पा रहे कुछ, वहाँ दूध वाले यादव वहाँ दूध नहीं बेच पा रहे, जो वहाँ से ट्रक गुजरते मार मार के 300-300 रुपये लिए जा रहे हैं। रोज़ मारपीट होती है, पुलिस को हफ्ता बधा हुआ है, और वहाँ मात्र 3,300 रुपये जमा होता है जबकि 60,000 वसूली होती है। उसी का परिणाम था कि नगर पंचायत से मैं अकेला 2900 वोट से लीड किया, और जो हमारे जीत का कारण बना। अभी मैं कल गया था राजीव गांधी जी के पुण्यस्मृत पर, वहाँ पर कार्यक्रम था, लोग पूरे इकट्ठे होकर चीख मार रहे थे कि आपको वोट देने का क्या मतलब, जब आज भी उसी तरह की लूट जारी। और हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी से जुड़े हुए, उनके कुछ रिश्तेदार और यहाँ के कुछ आपराधिक तत्व जो उनके साथ रहते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही और प्रशासन का पूरा संरक्षण है। इस मामले में मैं जिला कलेक्टर महोदया से कई बार मिल चुका हूँ, कई बार मैं लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पेपर में लिखा हूँ, लेकिन कोई संज्ञान न लिया जा कर के अभी भी वसूली जारी। सबसे खतरनाक स्थिति ये है, मैं आज से 2-3 महीने पहले दिल्ली गया अपने पर्सनल मैटर में, किसी बिजनेस सिलसिले में उनके साथ कहीं खाना खाने गया, तो उनके साथ एक दोस्त थे, हमने उनको परिचय बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा जिले से हूँ। बोले, ओ कोरेक सिटी, रीवा कोरेक सिटी अंग्रेजी में। तो हमने कहा कोरेक सिटी कैसे? तो बोले, आपके रीवा को हम लोग कोरेक सिटी बोलते हैं। हमने कहा क्यों? बोले, हिमाचल में मेरी फैक्ट्री है, दवा बनाता हूँ, मेरे फैक्ट्री में खांसी की दवा बनती है, उसका 60% अकेला मैं रीवा में देता हूँ। ये स्थिति है ये कोरेक सिटी की। और यहाँ पर शराब की पैकारी, पुलिस का मुख्य कमाई का स्रोत क्या है?
पानपराग राजसी, इससे जो दो दो लाख महीना मिलता है, बिना बिलिंग का माल बिकता है, जो कोरोना में भी नहीं बंद हुआ, गांजा, शराब की पैकारी, आजकल एक नया धंधा हो गया कोरेक्स, एक एक गांव में चार चार पैकार, पुलिस के अफसरों का पैसा लगा हुआ है उस पर अप्रत्यक्ष रूप से, आबकारी के कमिश्नर का पैसा लगा हुआ है, हमेशा आबकारी के कमिश्नर के विरुद्ध एक मामला आया था फर्जी बैंक गारंटी का 3 महीने, अभी आप लोगों ने देखा होगा वो मालाजी वगैरह ने आपको कागज़ दिए हैं जिसमें बैंक ने पूरी तरह से मान लिया कि हाँ ये फर्जी बैंक गारंटी है, उन्होंने 3 महीने बाद बदल लिया, लेकिन 3 माह तक तो पिछले वर्ष गलत बैंक गारंटी भी ना उठा दिया और दुकानें चली। कलेक्टर महोदया क्यों कार्रवाई नहीं करता, क्यों, जबकि एग्रीमेंट कौन साइन करता, कलेक्टर के हस्ताक्षर से निष्पादित होता है एग्रीमेंट, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट का, कलेक्टर महोदया का, कलेक्टर ऑफिस का संरक्षण प्राप्त, कार्रवाई न किया जाना। और दूसरी तरफ पुलिस का तो है ही संरक्षण प्राप्त, क्योंकि इन लोगों का पैसा लगा है और एक एक पैकार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक एक गांव से दे रहे हैं, 5-5 हैं, लाख रुपये एक गाँव से मिल रहा है, एक थाने को 10 लाख से 15 लाख पैकारों से मिल रहा है, ठेकेदार तो 1.5 लाख देता होगा, और 34-2 बनाने का अलग से 80 हज़ार का रेट है। तो ये जो आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं ना, आज ये शराब पकड़ाई, वो शराब और नहीं पकड़ी जाती, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है और अगर दूसरे जगह का ला के बेचता है तो वही पकड़ाता है, 80 हज़ार दे के 34-2 बनवाता है। मैं बता रहा हूँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो खतरनाक खेल शुरू हो गया है कि पुलिस की और अधिकारियों की काली कमाई का शोध बन गया है नशा, रीवा में कोरेक्स और शराब का नशा, जिसके चलते एकदम बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे बेचारे नशे की चपेट में आ जाते हैं और गांव-गांव तुरंत उनको नशा उपलब्ध। आरोप साफ है कि आप पुलिस करा रही है नशे की पैकारी और व्यापार। हाँ, पुलिस करा रही। अभी मैं एसपी महोदय के पास बैठ के आया हूँ, मैंने उनको स्पष्ट कहा कि जिस दिन आप चाहोगे 1 मिनट में बंद हो जाएगा, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 4 वर्ष पहले मैंने इसको करीब से देखा है, पूरी पुलिस की वर्किंग मालूम है, नए व्यक्ति को आप समझा सकते हैं, मुझे नहीं समझा। आपने बोला पैसा लगा हुआ कुछ, तो जब आपने करीब से देखा तो आपके साथ में यही चीज होता होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ बबली जी, मैं किसी वैसे इंटेंशन से नहीं आया हूँ, ना मेरा किसी TI से विरोध है ना किसी से, मैं कुल मिला के इतना चाहता हूँ कि जो ये कोरेक्स और शराब का बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको बंद होना चाहिए, और मैं अपने क्षेत्र में इसकी बात रखा हूँ। और तीसरा, हमारे यहाँ पेयजल का भारी संकट, पिछले वर्ष भी 5 वर्षों में कोई लास्ट में कुछ हैंडपम्पों के स्वीकृति विधायक से चुने हुए जनप्रतिनिधि ने दी थी, लेकिन वो हुए नहीं बोर, बाद में वो पैसा ट्रांसफर हो गया दूसरे कार्यों हेतु, और यात्री प्रतीक्षालय टैंकरों में ये राशि, चाहे सांसद निधि हो चाहे विधायक निधि हो, ये राशि लुटाई गई है, और हैंडपम्प हुए नहीं, पेयजल का भारी संकट है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दे रखा है कि चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई है, तो अधिकारियों कर्मचारियों को कि वहाँ किसी तरह के काम न किए जाएं, तो जनता पेयजल के लिए त्राही त्राही की, पुलिस अधिकारियों के ऊपर आपका तो हाँ बिल्कुल आरोप, तो शेयर है सर पैसे में, नशे में आप कह रहे हैं तो पैसा लगा हुआ है। हाँ, अधिकारी कराते हैं, अधिकारी कराते हैं, तो देखिए ये यहाँ का कल्चर सा बन गया है। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रीवा में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, और सबसे खतरनाक जो कोरेक्स घुस गया, वही पैकार कोरेक्स बेचने लगे, उन्होंने भी एरिया बांट लिया जैसे पैकारों के एरिया बांटते, पुलिस ने ही बैठा के बांट दिया है कि तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया में। क्या भाजपा नेता कोरेक्स, मैं ऐसी हल्की बातें नहीं करना चाहता, मैं तो मेरा तो जो पॉइंट है, मैंने कई बार बातें कही है, अब मैं जनता के बीच में कम से कम इतना तो करूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, इसके लिए 29 तारीख को सेमरिया बंद करके हम उसमें अपना जो हमारी भूमिका है उसको अदा करना चाह रहे हैं, उस संबंध में हमने इनको पत्र दिया है, अभी कलेक्टर को भी पत्र होगा, अनुविभागीय अधिकारी जी को भी पत्र दिया है, और हम अपना जनता के साथ बैठ के वहाँ अपनी बात को लेके हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, कार्रवाई की बात कही है, हमने सब कुछ बातें कह दी हैं, और ये भी बातें कही कि आप एक पॉइंट टोला में रहने वाला, एक नया तालाब में रहने वाला बेचारा स्वीपर, जो बेचारा बचपन में मान लीजिए 2 या 3 मुकदमा कर दिया गलती से, फिर आज वो अस्पताल में सफाई कर रहा सफाई कर्मी है,
अभी बताइए न्याय की बात बताइएगा। आज आज जैसे ही कोई चुनाव आता है आप टीआई उनकी लिस्ट भेज देते हैं, वो बेचारे गरीब उनका लाइन से जिला बदर होता है, हजार हजार लोगों का जिला बदर होता है। मैंने अभी 16 अपराधी बताए हैं, उनका लिस्ट भी मैं लिखित दे रहा हूँ, जो बड़े अपराधी हैं उनका क्यों जिला बदर नहीं होता, क्योंकि वो धंधों में लिप्त हैं, वो टीआई के साथ बैठते हैं, उनकी दोस्ती आ रही, तो उन लोगों का कभी नाम नहीं आया। छोटे छोटे गरीब लोगों से कोरम की पूर्ति की जाएगी और उनको संरक्षण करके उनके साथ भाईचारा बनाएगा। इन सब बातों को लेकर पुलिस अधिकारी के ऊपर आप सीधा आरोप लगाए हैं कि उनकी मिली भगत से कोरेस की तस्करी हो। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में रीवा जिला नशेगत अपराध में सर्वोच्च स्थान पर है और आप हमारे समरिया को बख्श दीजिए, इतनी कृपा करें।